अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले मेकअप में से पार्ट वन बताया था कि मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी। मैंने आपको किड्स का रिव्यू दिया था और सारा मैंने बताया था कि किड्स के बारे में कौन सी जो है आप लोग चीज परचेज कर सकते हैं, यानी सारे मैंने आपको सर्च करके दिखाए थे। और इसके अलावा मैं के ऊपर मैं फुल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल वीडियो इन पर बनाऊं तो आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको इनके फुल सर्च करके वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट करे बगैर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताती हूँ। तो मैंने आई शेड्स के कुछ शेड्स आपको बताए थे, उसके अंदर जो है ये भी शेड्स, तो ये जो है मैं कुछ शेड्स आपके मिस रोज के ये भी दिखाती हूँ। ये भी वेलवेटी शेड्स है, ये भी बड़ी सस्ती है, चीपेस्ट प्राइस में। अगर आप नहीं लें जो बड़ी किट है या तो आप फाइनल टच की और ये ले सकते हैं। इसमें सारे शेड्स होते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप अलग से सेपरेट सेट लें तो ये देखें कितना प्यारा है, इसके स्वेच आ रहे हैं। मैं आपको ये जल्दी जल्दी इसका रिव्यू देती हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये कुछ शेड्स मेरे पास इसके हैं और कुछ शेड्स मैंने इसके सेल कर दिए हैं, जो बचे हैं मैं आपको उनका रिव्यूज़ दे रही हूँ। ये देखें, ये थोड़े से टच में कितना कलर आ रहा है। तो इससे ये है कि आपको जो है ज़्यादा ज़्यादा भरकर कलर नहीं लेना पड़ेगा। आप थोड़ा सा कलर ले और उससे आपका काम चल जाएगा। ये देखिए, हल्का सा ही मैंने टच किया है और ये थोड़ी सी गिर गई थी तो इसलिए इसका पाउडर बिखर गया है। ये देखें, आप इसके स्वेच देख सकते हैं। देखें, हल्का सा मैंने आपके सामने करा है और इसके स्वेचेस देखिए कितने प्यारे इसके आए हैं। ना आपको ज़्यादा भर भर के लेने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कलर स्वेच कर कर दिखाए हैं, कुछ कलर्स इसके रह चुके हैं तो मैं वो भी आपको थोड़े बहुत कर कर दिखा देती हूँ। मेरे सारा हाथ भर चुका है लेकिन फिर भी ये देखें, मैं आपको स्वेच कर कर दिखाती हूँ। कलर्स आप देखें, मैं आपको जल्दी जल्दी इसकी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें, इसके स्वेचेस देखें आप कितने प्यारे इसके कलर्स आए हुए हैं। ये देखें, तो आप चाहें तो ये तकरीबन भी आपको 100 से 150 तक की आपको मिल जाएगी। तो मैंने तो ये होलसेल में मंगवाई थी तो मुझे थोड़ी सस्ती पड़ी है। अगर आप भी चाहते हैं मंगवाना तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहे बताएं, तो मैं आपको ये ऑनलाइन आपको भिजवा सकती हूँ। तो मैंने आपको सारी आई शेड कर कर दिखा दी। उसके अलावा ये मैं आपको हाईलाइटर दिखाती हूँ। मैं आपको सिक्वेंस वाइज नहीं बता रही कि इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद क्या। मैं आपको सिर्फ जस्ट और जस्ट मेकअप का जो है रिव्यू दे रही हूँ कि कौन कौन सा सामान होता है। फिर भी ये मेरे पास प्रॉपर सामान नहीं है तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, विवेट का ये जो है हाइलाइटर है, ये बड़ा प्यारा है, मल्टीपल कलर्स है इसके। ये देखें, ये सिल्वर भी है और गोल्डन भी है। ये देखें, ये आपको दिखने में तो सिल्वर लग रहा है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये सिल्वर शेड लग रहा है लेकिन ये लगाने स्वेच करने के बाद ये देखें गोल्डन कलर भी आ रहा है इसका। आपको मैं क्लोज कर कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर देखिए आप कितना प्यारा, ये कलर मल्टी कलर आ रहा है इसके अंदर। तो ये हाइलाइटर बड़ा बेस्ट हाइलाइटर है, आप इसे परचेज करें। ये देखें, इसका नंबर भी देखें, मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ, इसका नंबर 3 है। और मैं माजद के साथ कह रही हूँ, थोड़ा बहुत ये धुंधला जो आ रहा है, थोड़ा कैमरे का मसला है, इस वजह से थोड़ा धुंधला आ रहा है। उसके बाद ही मैं आपको जो है, उसके बाद मैं आपको ये कॉम्पैक्ट पाउडर दिखा रही हूँ। मेरे पास ये 3 शेड्स हैं, एक फेसेट का, एक क्लेजोना का और ये एक कॉयल कंट्रोल है। ये देखें, ये देखें, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे आज हाथ सारे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ। इसका शेड जो है 2 इसका नंबर है। और ये ऑयल, जिनके ऑयल ज़्यादा आता है उनका ऑयल कंट्रोल नहीं होता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। आपको दिखाती हूँ, क्लेजोना का है। ये देखें आप, इसका कलर भी देखें आप, वो कलर कॉम जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरा जो कॉम्बिनेशन है मैंने उसके हिसाब से लिया है। ये देखे, आइवोरी कलर है, मेरे जो है ये सूट करता है। तो ये 8 कलर है और आप ये देख सकते हैं, इसका मैंने आपको टेक्सचर भी दिखाया है। उसके बाद मैं आपको ये 3rd दिखाती हूँ, फेसेट का। इसका ये जो कलर है, इसका नंबर है, ये 2 है, केक है, बीबी पाउडर है इसका। इसका कलर जो है 5 है, इसका नंबर। उसके अलावा ये देखें, ये थोड़ा सा क्रिकेट टूट चुका था इसलिए जो है ये हो रहा है इसका। आप कलर्स इसका भी देखें,
ये बहुत प्यारा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर जो है कि लाइनर भी है और इसके अंदर आईब्रो शेड भी है और ये मैजिक इंक का है इनके। ये देखें आप कलर, इसके अंदर एक ब्रश भी है और इसके अंदर जो है इसके साथ एक ब्रश भी आता है। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर टू शेड्स है। आप जो ये जो न्यू स्टार्टअप करना चाहती हैं, जो सीखती हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा मैं तो इस्तेमाल करती हूँ एक्वा का केक लाइनर, वो बड़ा एक्सपेंसिव है वो, तो वो जो है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। उसके अलावा ये देखिए, मैं एक्वा का लेती हूँ। मैंने जो है ये कॉटन लिया है, ये मैंने कॉटन लिया है, ये केक लाइनर है। और मेरे पास ये भी है, ये बिगनर्स के लिए है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो है आप ये वाला लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल लाइनर। ये बड़ा इजी लाइनर है, ये इतने प्यार इतने आराम से ये लाइनर लगता है। आप आराम से इसकी ये देखें कोई भी शेड शेप इसकी दे सकते हैं इस लाइनर की। ये बहुत प्यारा है, मुझे ये बहुत इजी रहता है बनस्पत केक लाइनर के। बाकी आप लोग जो चॉइस आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास आईब्रो का ये शेड भी है, ये देखें ये पेंसिल है। इससे बड़ी आराम से जो है एक ये लाइन लग जाती है। मैं बहुत प्यारी से इसकी शेप में इससे दे लेती हूँ, मुझे बड़ी इजी रहती है। और बाकी है, मैंने आपको केक लाइनर और केक आईब्रो शेड भी आपको मैंने दिखा दिया है। आप इसमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं जो आपको इजी रहे, जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं और जो इजीली आप लगा सकते हैं। ये मैं एक बार आपको फिर इसकी शेड इसका दिखा देती हूँ कि इसका नाम भी देख लें आप। ये 360 हॉर्स है इसका और ये वाटर प्रूफ है। और ये देखें आप, इसका कल नाम भी देख सकते हैं। ये वाली एक पेंसिल, एक और पेंसिल मेरे पास है, अब उसकी कंडीशन ऐसे नहीं है दिखाने वाली, और मैं आप लोगों को वो भी दिखाती। उसकी तरफ एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ उसकी जो है ब्राउन शेड्स है, वो भी बड़ी प्यारी है, आराम से आप इजीली लगा सकते हैं बिगनर्स के लिए, वो भी बड़ी अच्छी है। तो मैंने अभी वो शॉप से मालूम करी, वो मुझे मिली नहीं, कभी मिलेगी तो मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगी। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये स्पंज दिखाती हूँ, ये मैं लास्ट आपको चीज़ दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, वरना तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए स्पंज, इसके बाद ये सिंपल स्पंज भी होता है, ये भी होता है। इस स्पंज का फायदा ये होता है कि आपके आईज के जो कॉर्नर्स होते हैं वो अच्छे से जो है ब्लेंडिंग हो जाती है, जिससे आप कंसील करना चाहें ये भी, तो कॉर्नर्स पे अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक गोल भी आता है, वो भी बड़ा प्यारा रहता है, लेकिन मैं अभी आपको इसका दिखा रही हूँ। ये बड़ा अच्छा सा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये है, इसे आप ये पीछे से आप इसके फेस पे ब्लेंड कर सकते हैं, कॉर्नर से जहाँ आपके नहीं हो तो आप इसे भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो अब तक की ये वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैंने ये कुछ वीडियो का रिव्यूज़ दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद दिखाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि बड़ी ना हो वीडियोज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।